नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र से है। विकास खंड जगदीशपुर के दौलतपुर की ग्राम पंचायत निसूरा में कोटे के चयन को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर लग रहे धांधली के आरोप। जानकारी के अनुसार जगदीशपुर के दौलतपुर निसूरा ग्राम पंचायत में 3 अक्टूबर 2020 को दो समूहों के बीच चुनाव करवाकर कोटे की दुकान का चयन होना था, लेकिन पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर मौजूद अधिकारियों को एक दिन पहले सारे कागजात दिखाए गए थे। चुनाव वाले दिन कागजों में कमी बताकर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोटा दूसरे समूह के लोगों को बिना चुनाव कराए दे दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि चुनाव फिर से कराया जाए, जिसके संबंध में आज जिलाधिकारी अमेठी के कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। मध्यांचल ब्यूरो रिपोर्ट, अमेठी। यहाँ पे हम डीएम आवास आए थे यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए। हमारे यहाँ कोटा का चयन आज था, तो उसमें जो है हमारे कागजात दुरुस्त थे। दूसरी पार्टी के भी जो है थे दो लोग। हमारा समूह चल रहा था, समूह द्वारा चयन था, जिसमें कल जो है मैं वहाँ ब्लॉक गया, वहाँ पे सब कागजात दिखाए, बोले कि सही है। लेकिन आज जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो वहाँ पर हमारे कागजात जो है प्रधान सेक्रेटरी और एरिया पंचायत इन लोगों ने मिल करके हमारे समूह में निरस्त कर दिया। और हमारे समूह में 12 आदमी थे, उन्होंने दिखा दिया कि आपके समूह में केवल 8 ही सदस्य हैं, बाकी नहीं है। तो आज जो चुनाव वहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव हो गया और चुनाव न करा करके उनको जो है निर्विरोध जिता दिया गया। अच्छा, इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो है दोबारा चुनाव कराया जाए। डीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई? नहीं हुई। मुलाकात नहीं, बताएंगे 1 से 11 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं, आज मुलाकात नहीं होगी। जैसे कि अभी उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, डीएम साहब अभी ऑफिस में हैं, तो आप एक बार ये उनसे मिलना चाहोगे? जी चलिए, ठीक। एक मिनट बोल कर। क्या नाम है भैया आपका? विनय कुमार यादव। क्या मामला था जो आज आप डीएम कार्यालय अमेठी आए हो? हमारे यहाँ दौलतपुर निसूरा में कोटा चयन प्रक्रिया का आज जो है अनाउंसमेंट था, उसमें जो है प्रधान और सेक्रेटरी महोदय, एडीओ पंचायत साहब, सब लोग आए हुए थे। सभी लोगों ने हमारे जो समूह का संचालन सभी महिलाएं कर रही थी, उनको जो है कोटे में मतलब खड़ा होना था। और कल बताया थे कि सारा आपका पेपर सही है, आज जो है उन्होंने बताया कि आपके पेपर सही नहीं है, जबकि जितना पेपर हमारा सही था उतना ही दूसरे समूह के सदस्यों का सही था। और हम लोगों की जो कोटे के पात्रता थी उसमें जो है हम लोगों को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया दावेदारी, और कोटा दूसरे समूह के लोगों को निर्विरोध कर दिया गया बिना इलेक्शन के। इसलिए हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और वो अभी हैं, उनके जो अधिकारी लोग बाहर हैं उन्होंने मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप मिलने का समय 9 से 11 है, तो इसलिए मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे डीएम साहब की गाड़ी ये खड़ी हुई है, तो क्या आप उनसे अभी मिलना चाहते हो? जी बिल्कुल मिलना चाहते हैं, हम अपनी शिकायत उनको जो है मतलब देना चाहते हैं, प्रार्थना पत्र, इसलिए आए हैं। किस विषय में आपका प्रार्थना पत्र है? कोटा संबंधित चयन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसी के संबंध में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। हम लोग जगदीशपुर से आए हैं चल के। चलिए, ठीक।